बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं ख़ुद को खुश रखने के लिए क्या करती हूँ। मतलब ऐसे कौन कौन से काम है जो मैं अपने आप को खुश रखने के लिए, पुरसकून रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए करती हूँ। तो इसमें कोई नया काम नहीं है। मैं अपने घर के कामों में जो है ना, ऐसे किस तरह अपने आप को खुश रखती हूँ कि मैं बोर ना हूँ जिन चीज़ों से ना। हाँ, नेचर है, इंसान अप डाउन इंसान की नेचर में है, आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़ाहिर एक घर में रहना है तो फिर उसी में आपको सुकून ढूंढना पड़ेगा। अब मैं कोई नए काम तो करती नहीं हूँ रोज़ रोज़ जो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, और मैं जो काम करती हूँ उसी को एंटरटेनिंग इस तरह बना लेती हूँ कि बंदे का ना दिन अच्छा गुजर जाए। तो मेरे लिए सबसे पहली जो चीज़ मैं करती हूँ वो मेरा अर्ली राइजिंग है। मेरी, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, जिसकी वजह से मेरा दिन आम दिन लोगों के दिन से काफ़ी लंबा हो जाता है, और मेरे पास करने को और भी काफ़ी कुछ हो जाता है। मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, इसमें सोचती हूँ कि आज मुझे पूरे दिन की प्लानिंग मैंने उसी टाइम में करनी होती है। सुबह के टाइम जब मैं अकेली होती हूँ, पुरसकून बाग में पौधों के साथ बैठती हूँ, उससे फ्रेशनेस होती है, आपकी अंदर एक सुकून सा आ जाता है। उसके बाद जो मेरी एक चीज़ होती है कि मैं इन सब कामों में ना, घर के कामों में लगे रहने में, मैं ये नहीं सोचती कि मैं अपनी सेल्फ केयर को छोड़ दूं। आजकल तो मैं अच्छी खासी सेल्फ केयर पे लगी हुई हूँ। एक तो फिटनेस का मुझे भूत सवार हुआ हुआ है, वो तो माशाल्लाह अच्छी बात है। बुरी कुछ अर्से के लिए मैं भूल गई हुई थी, लेकिन अब दोबारा से अपनी रूटीन पे वापस आ रही हूँ, तो मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। एक्सरसाइजेज, मेरी डाइट, ये सब चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट कर रही है ना। तो और आपके साथ, ख़ास तौर पर आप लोगों के साथ इंट्रैक्शन, आपके कमेंट्स पढ़ के जो मुझे खुशी होती है ना यार, क्या बताऊँ। उसके बाद अच्छा, मैं घर के काम अक्सर लोग बोर हो जाते हैं, तो मैं उसको ये कहूँगी कि मैं क्यों इतनी एनर्जेटिक रहती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम में ना ज़रा अपनी पसंद का म्यूज़िक लगा लेती हूँ। अगर बंदे को आप डाउन डाउन फील हो रहा है ना, रोज़ नहीं, हाँ जिस दिन मुझे थोड़ा सा डाउन फील हो रहा हो या एनर्जी लेवल थोड़े से लो हुए हों, तो फिर मैं म्यूज़िक कर लेती हूँ। आपको जो पसंद है, नाच पसंद है आप लगाएँ, म्यूज़िक पसंद है लगाएँ, खुद को खुश रखें। जितना आप खुश रहेंगी तो आप अपने घर को भी अच्छे से चलाएंगी और अपने बच्चों को भी अच्छे से देखेंगी। हम जो होम मेकर्स हैं, जो जॉब नहीं करते, घर पे रहते हैं, तो लोग समझते हैं कि ये क्या है, इतना पढ़ लिखे तो घर पे बैठना है, ये क्या घर के अलावा, मतलब हाउस की के अलावा आप लोगों का और कोई काम नहीं, इसके अलावा आप क्या करती हैं? मतलब आप सोचें, जो घर संभालने वाली औरतें अगर वो घर छोड़ दें तो फिर घरों का रहेगा क्या, मतलब क्या बनेगा? अगर हर कोई आपकी, अगर हेल्पर्स भी हैं, अगर वो ना आए तो आपका क्या बनेगा? इसलिए मैं समझती हूँ कि औरत के लिए सबसे जो बड़ा काम है ना, वो आप अपना घर है, अपने घर को संभालें, और घर संभाल लेंगी ना तो फिर बाहर भी संभाल लेंगी। अच्छा, उसके अलावा ये होता है कि हम लोग माशाल्लाह घर में ज़्यादा तो अभी औरतें ही हैं, मतलब मैं, अम्मी, मेरी दो भाभियाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग फ्री होकर बैठ जाते हैं और फिर गॉसिप शुरू हो जाती है, औरतों का फेवरेट काम। इसमें अगर बुराइयाँ शामिल ना हो तो फिर तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी। एक तो कि अगर आपने उसमें किसी की बुराई नहीं रखी, जिस तरह मतलब अक्सर लोग औरतों में आदत होती है ना कि एक जो बंदा नहीं है उसकी बुराइयाँ शुरू कर दी जाएँ, तो अगर ये चीज़ ना हो तो गॉसिप भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मशगला है, अच्छा टाइम पास हो जाता है बंदे का। तो अगर तो आपके पास ऑप्शंस हैं, मतलब अगर आप लोग ज़्यादा हैं तो फिर तो बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि आप एक दूसरे के साथ, मतलब बंदा बोर नहीं होता अकेले बैठ बैठ के। अकेले बंदे के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है कि वो चले, अगर उसका मूड ठीक नहीं है तो फिर वो किस तरह ठीक करे। हाँ, कभी कभी हम ऐसे करते हैं कि जब हम लोग घर में बैठ बैठ के आग सड़ जाए ना, जब मेरा दिल होता है कि थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, तो तब हम उठ जाते हैं और भाभी तस्मिया के घर चले जाते हैं। मेरे, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, उन्हें हमारे घर या हमें उनके घर, तो हम लोग उधर चले जाते हैं और यहाँ वो हमारी तरफ आ जाते हैं। उनका घर इतना अच्छे एरिया में है ना कि मेरा दिल लग जाता है उधर ना, बाहर नहर बह रही है, ऊपर ग्रीनरी, दरख्त, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है वो माहौल। इसलिए मैं जब डिप्रेस हो जाऊँ, आमतौर पर तो नहीं होती, अगर हो जाऊँ तो मैं फिर उधर चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है कि मैं पुरसकून हो जाती हूँ।
अच्छा मैं सच बताऊँ ना तो मुझे अपने रोज़ के कामों में इतना मज़ा आता है कि हम जो मतलब आम तौर पे जो होम मेकर्स होती है ना वो अपने घर में ही सुकून ढूंढ लेती हैं, उनको अपने घर में ही और अपने घर के कामों में ही सुकून मिलता है। जो हाँ जो फोर्स्ड होती है ना उनको तो फिर है, उनका तो अल्लाह ही वारिस है। सो मुझे सबसे ज़्यादा ना बहुत काम ऐसा होता है कि मैं बेजार हो जाऊँ। मैं वैसे अपने काम को बड़ा इंजॉय करके करती हूँ, मुझे ज़रा भी इसमें कोई बोरियत या इतना कोई मसला नहीं होता। हाँ कभी कभी ये है कि मेरा दिल करता है कि मैं डेकोरेशन वगैरह रखूँ और वो मैं अभी नहीं रख पाती, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा डाउन हो जाती हूँ। लेकिन क्या करें, ये भी टाइम गुजर ही जाएगा इंशाल्लाह, बच्चे बड़े तो हो ही जाएंगे, जब हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह अपने वो शौक़ भी पूरे कर लेंगे। क्योंकि मैंने अपने घर को बड़ा डेकोरेट रखा होता था, तो जब से बच्चे हुए हैं तो घर में डेकोरेशन पीसेस की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो बस जनाब आज की भी इसी तरह रूटीन थी मेरी। मैंने और भाभी ने बड़ी भाभी का रूम साफ किया, फिर छोटी भाभी का, फिर घर की सफाइयाँ की, मशीन लगाई हुई थी, सोचा कपड़े भी डाल दे, काफ़ी तेज़ धूप थी, उफ़ या अल्लाह मुझे तो सर्दियाँ। अच्छा इंसान की नेचर देखे ना, सर्दी हो तो बंदा बेजार हो जाता है कि जल्दी से गर्मी आ जाए, बस ख़त्म हो जाए ये सर्दी। जैसी गर्मी आती है तो बंदा कहता है यार सर्दी वापस आ जाए तो बेहतर है। इसी तरह ना इंसान किसी हालत में भी खुश नहीं रहता। मुझे आप सबका बहुत बहुत थैंक यू करना था कि आपका रिस्पांस मेरी वीडियोस पे बहुत अच्छा है, मेरी सोच से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आपके कमेंट्स प्लीज़ डू मतलब कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत खुशी होती है आप सबके कमेंट्स देख के। तो हमेशा कमेंट करते रहिएगा। चलें जनाब इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना है, ये मैं रोज़ करती हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी, लाइफ इज़ हिफ्ज़ा के नाम से ही है। चलें जी इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।